बात करते हैं अगले अहम खबर की। चुनाव आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की वो मैनपुरी लोकसभा सीट भी शामिल है जहां से मुलायम सिंह लोकसभा सांसद थे और उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। यूपी में मैनपुरी के अलावा रामपुर की विधानसभा सीट पर भी मतदान होगा। यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। दोनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी तो वहीं 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी की लोकसभा सीट सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हुई थी, जिसे लेकर शनिवार को उपचुनाव का ऐलान किया गया। तो दूसरी तरफ रामपुर की विधानसभा सीट आजम खान की वजह से खाली हुई है। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। रामपुर सीट के खाली होने की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी गई है। रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब 5 दिसंबर को इन सीटों पर चुनाव होगा और उसके बाद 8 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। मैनपुरी और रामपुर दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। दोनों ही सीटें सपा की पारंपरिक सीट रही हैं। मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि दोनों सीट जीतकर सपा को जोरदार झटका दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीतकर अपना मनोबल बढ़ाएगी, जिसका फायदा उसे निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है और उपचुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी और सपा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। रामपुर विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तिथि निर्धारित की है। 5 दिसंबर को दोनों उपचुनाव का में मतदान होगा। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक उसकी प्रक्रिया है और इन दोनों सीटों पर माननीय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हुई और आजम खान साहब की सदस्यता समाप्त होने के कारण रामपुर विधानसभा सीट रिक्त हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी लोकसभा के चुनाव की घोषणा आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मृत्यु के उपरांत वो सीट रिक्त हुई, लेकिन रामपुर के अंदर जहां एक तरफ आजम खान को सजा मिलने के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने सीट को रिक्त कर दिया और इलेक्शन कमीशन की इतनी सक्रियता कि उसने चुनाव की तिथि घोषित कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी भी सजा याफ्ता हैं।